लक्षण नहीं है। डॉक्टर देवलीना, मैं ये समझना चाहूंगा क्योंकि लोग बहुत भटक रहे हैं, क्या हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, शहर के स्तर पर या अस्पतालों में भी कोई डेटाबेस है क्या जहां से पता चल सके कि प्लाज्मा डोनर कहां है, उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर, कितनी उनकी संख्या है, कोई डेटाबेस क्या मैनेज किया गया? देखिए, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स में डेटाबेस है, जैसे हर हॉस्पिटल में उनका हमारा जो लैब है, और हम लोग क्या करते हैं जहां पर हमारे पेशेंट्स जहां पर आरटीपीसीआर पॉजिटिव होके हमसे ट्रीट होते हैं, फिर उसके बाद अपने एंटीबॉडी लेवल्स करवाते हैं या आरटीपीसीआर नेगेटिव करते हैं, उनका एक जीएनआईडी होता है, तो उनका ये पूरा डिजीज का पाथ हमारे पास है कि ये कब पॉजिटिव हुआ, कितने एंटीबॉडीज हैं, कब नेगेटिव हैं, कब एसिम्प्टोमेटिक है। फिर इनिशियली जब ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर था, अभी है नहीं, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इसको हम एनकरेज नहीं कर रहे हैं, पर शुरू शुरू में जब पहला वेव आया था और बड़ी भगदौड़ी मची हुई थी ट्रीटमेंट के लिए, और प्लाज्मा थेरेपी एक तरीका बन के आया था टू ट्रीट पेशेंट्स, तो तब हमारे अस्पताल में ये डेटा जो हमारे लेबोरेटरी सर्विसेज में था कि पेशेंट का अभी एंटीबॉडीज है, पेशेंट अभी नेगेटिव है, वो डेटा फिर ट्रांसफर करते थे हम लोग अपने ब्लड बैंक से, हमारे ब्लड बैंक से उनसे हम ब्लड बैंक से हमारे इन लोगों को कॉल जाया करता था कि इफ दे वुड वांट टू वॉलंटरीली डोनेट, अगर वो अपने ही खुशी से प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं क्योंकि उनके एंटीबॉडीज लेवल भी एडिक्वेट है और इनके और वो कोविड नेगेटिव है। बट ये सारा जो काम अभी हम चाहते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस ना दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे फायदा पहली बात हुआ नहीं है, सेकेंडली यू नो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस बिटवीन टू होस्ट, मतलब देने के बाद सिवियर रिएक्शन लोगों में हुआ है कोविड से नहीं तो प्लाज्मा थेरेपी से लोगों की बहुत साइड इफेक्ट्स और जानलेवा साइड इफेक्ट्स हुआ है, तो हम इस चीज को एज डॉक्टर्स हम एनकरेज नहीं करना चाहते हैं। बट ये एक सैल्वेज थेरेपी हमने अपने पास रखा हुआ है, हमारे इंटेंसिविस्ट के पास रखा हुआ है। एनकरेज नहीं कर रहे हैं डॉक्टर देवलीना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए मेरा कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि हमें प्लाज्मा थेरेपी करनी है, अब प्लाज्मा डोनर लेकर आना ये किसकी जिम्मेदारी है, अस्पताल की या फिर उस पेशेंट के रिश्तेदार की जो उसके साथ है? नहीं देखिए, ये इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे अगर आपको ब्लड डोनेशन चाहिए तो आपका अस्पताल का ब्लड बैंक भी आपको मदद करता है या कभी कभी आपको भी डोनर लाना पड़ता है, बट ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज के दिन बिकॉज प्लाज्मा थेरेपी इतना आप कहाँ से डोनर ढूंढेंगे, तो मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल लेते हैं, प्रोवाइडेड हमारे इंटेंसिविस्ट कहते हैं कि इनको प्लाज्मा चाहिए। अगर हमारे इंटेंसिविस्ट ये रेड फ्लैग रेज करते हैं कि किसी एक पेशेंट जो आईसीयू में है सीरियस है और इनको प्लाज्मा चाहिए, तो अस्पताल पूरे जोर लगा के उसका एक डोनर आइडेंटिफाई करके क्रॉस मैच करके डोनेशन करवा देगा। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जितने सवाल थे डॉक्टर अरविंद ने और डॉक्टर देवलीना ने उनके पूरे जवाब दे दिए। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं और वो सवाल है डाइट से जुड़ा हुआ, खान पान से जुड़ा हुआ, और इसके लिए मैं मानसी अग्रवाल का रुख करूंगा, न्यूट्रिशनिस्ट है। मानसी, सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग होम आइसोलेटेड हैं, घर में ही अपना इलाज कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि अगर